भारत आज पूरी दुनिया में इतिहास रचने वाला है, क्योंकि आज शाम के 6:04 पर जब चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा, उसके बाद पूरी दुनिया में एक अलग मकाम भारत का बन जाएगा। और इस चंद्रयान 3 के बारे में लोगों का क्या मानना है, हमने कई सारे युवा वर्गों से बात की, उन लोगों का क्या कहना है ये उन लोगों से जानते हैं। और जिस तरह से आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग सक्सेसफुली होने वाली है, इसको लेकर देश में एक अलग प्रकार का माहौल है और देश के तमाम लोग, चाहे मंदिरों की बात करें, मस्जिदों की बात करें, हर जगह लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, लोग भजन कीर्तन पूजा कर रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करे और इस मंजर को पूरी दुनिया देखे और हमारा देश पूरी दुनिया में एक अलग मकाम बना सके। आइए जानते हैं देश के युवा वर्गों से क्या सोचते हैं इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर। तो आई होप उसका लैंडिंग अच्छा हो और बहुत ज़्यादा हम लोग को इसरो से बहुत ज़्यादा होप्स है कि वो अच्छा करे। बट हम लोग चंद्रयान 2 अच्छा हुआ नहीं था, बट चंद्रयान 3 हम लोग लगता अच्छा होगा, प्लस रशिया से हम लोग आगे निकल गए तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम वी वर द फर्स्ट टू डिस्कवर वाटर ऑन मून एंड वी विल बी द फर्स्ट टू डिस्कवर समथिंग न्यू ऑन मून। टेक्निकली दुनिया में भारत का क्या मकाम हो जाएगा इस लैंडिंग के बाद? वेल, जैसे हम लोग का इकोनॉमी अभी 4th-5th लार्जेस्ट हो गया है, उसी तरह से हम लोग अभी स्पेसक्राफ्ट नॉलेजेस में भी आगे निकलेंगे, हम लोग का एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे जाएगा और हमको लगता है कि चंद्रयान 3 के बाद हम लोग मैन मिशन जो है हम लोग का मार्स की तरफ, वो भी बहुत अच्छा होगा। देश दुआएं कर रहा है इसको लेकर, तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? वेल, हम लोग भी बहुत दुआ मांग रहे हैं कि अच्छा हो और हम लोग का यही होप है कि सब अच्छे से हो जाए। चंद्रयान 3 चांद पे आज लैंड करने वाला है शाम के वक्त और भारत के लिए काफी ये प्राउड मोमेंट होगा कि चंद्रयान 3 हमारा भारतीय स्पेस प्रोग्राम काफी तरक्की कर रहा है और चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद भारत के स्पेस प्रोग्राम का काफी नाम होगा पूरी दुनिया में। और चांद पे पानी पाया गया ये तो हम सभी जानते हैं और भारत पहला हो सकता है जो बता पाए कि चांद पे लाइफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने काफ़ी परिश्रम की है, यदि सक्सेस हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी और भारत पहला देश बन जाएगा चांद के साउथ वाले हिस्से पे लैंडिंग करने वाला। ये रियली भारत के लिए काफ़ी प्राउड की मोमेंट है। पूरी दुनिया की निगाह इस पर है और इससे पहले भी भारत ने कोशिश की थी लेकिन असफल रहे हम लोग, तीसरी बार ये लैंडिंग होने जा रही है, क्या लगता है सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी? बिल्कुल बिल्कुल, साइंटिस्ट ने अपने 100% एफर्ट लगाया है, ये सक्सेस होना ही है। देश का युवा क्या सोचता है, आप लोग क्या सोचते हैं? युवा इससे काफ़ी प्रेरित होगा और वो काफ़ी परिश्रम करके इसरो में साइंटिस्ट बनने की सपने देखेगा। टेक्निकली दुनिया में भारत का नाम कहां तक पहुंचेगा इस सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद? भारत पहला देश बन जाएगा चांद के दक्षिण भाग में लैंडिंग करने वाला और हम अमेरिका रूस सभी को पीछे करके पहले देश बन जाएंगे। बस यही सतह पर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दुनिया में भारत का, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भारत पहले से ही प्राउडफुल मतलब गर्व से सभी देखते हैं और अब भारत की सम्मान और अधिक बढ़ जाएगी। क्या नाम है आपका? सूर्यकांत ठाकुर।